मूव करते हैं हमारे सी पार्ट के ऊपर। डिफरेंस कहाँ आ रहा है ए बी और सी पार्ट में। ए और बी पार्ट में आपको क्या करना था, कंपाउंडेड एनुअली फाइंड आउट करना था। अब जो आपका सी पार्ट है वहाँ आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली फाइंड आउट करना है, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। अब मैं आपसे अगर बात करूँ तो डिफरेंस कहाँ आएगा इस पार्ट में, तो प्रिंसिपल आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा ₹62,500। टाइम आपको क्या गिवन है, वन एंड हाफ ईयर। ये आपको किस में गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। जब आपको इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, टू वन सा टू, डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल गिव यू टू, और उसमें क्या कर दोगे, जो आपका न्यूमरेटर है वो चीज़ ऐड कर दोगे, 3/2। ओके, अब मैं आपको कहूँ, अब अपनी जो गीता जयंती लगती है वो साल में एक बार लगती है। अगर मैं आपको ये चीज़ कहूँ कि 2 साल में वो कितनी बार लगेगी, आप बोलोगे 2 बार, क्योंकि साल में एक बार लगती है। अब मैं आपको एक चीज़ चेंज करना चाहूँगी इस फैक्ट को, अगर मैं बोलूँ आपको साल में वो कितनी बार लग रही है, 2 बार, तो आपका 2 ईयर्स में कितनी बार लगेगी, अब क्या करोगे, 2 × 2 कर दोगे, मतलब आपके 2 साल में कितनी बार लगेगी, 4 बार। अब वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, टाइम आपको क्या गिवन है, 3/2, और क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाफ ईयरली के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, और जो ये आपको गिवन है टाइम, ये किसके हिसाब से है, ईयरली के हिसाब से है। तो जब आप इसको 3/2 को इसका डबल करोगे, क्योंकि ईयर में तो आपका एक बार हो रहा था, अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से जो आपका टोटल टाइम है उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 ईयर। ओके, दिस चेंज यू हैव टू डू इन टाइम, आपको ये चेंज क्या करना है, टाइम के अंदर करना है। अब एक बात और, अब आपका रेट क्या है, 8% गिवन है। ये किसके हिसाब से गिवन है, आपको एनुअली के, साल के हिसाब से गिवन है, तो हाफ ईयरली के हिसाब से कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा ना, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो रेट आपका क्या हो गया, 4%। आगे क्वेश्चन आपका सिमिलर है, जो सारा डिफरेंस आना था यहीं पे आना था, तो अब आगे देखते हैं हम। अमाउंट वाला फॉर्मूला हमने वही सेम अप्लाई किया, पी प्लस 1 r + 100 की पावर n, प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करी 1 as it is, रेट क्योंकि हमारा क्या हो गया था, 4%। ओके, तो क्योंकि हम हाफ ईयरली वाइज फाइंड आउट करने हैं ना, तो 8 का हमने क्या कर दिया था, हाफ कर दिया था, तो क्या हो गया, 4/100। ओके, और आपका टाइम क्या है, आपको कितना गिवन है, 3 ईयर, ये मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3 ईयर। ओके, वो चीज़ सेम, अब आप क्या करोगे, 4 × 1 = 4 and 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, कट आउट करके आपको क्या मिल जाएगा, 62,500 as it is आपका, प्लस जब आपको कट आउट करके लिखोगे तो दैट इज 1/25 की पावर 3 एज इट इज। ओके, नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अब कोई डिनोमिनेटर के नीचे नहीं लगा हुआ तो उसका मतलब क्या है आपके पास, 1। अब 1 और 25 का एलसीएम क्या होगा, 25। ओके, अब डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, एलसीएम से, तो 1 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे, दैट विल गिव यू 25, और 25 को जो आपका डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलता है ना, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, न्यूमिरेटर से, दैट विल गिव यू 25। ओके, अब 25 को 25 से जब आप डिवाइड करोगे, दैट विल गिव यू 1, और 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल गिव यू 1। तो आपका सॉल्व करने के बाद इसको क्या आ जाएगा, 25 + 1, दैट इज 26/25 as it is, 3 आपका क्योंकि नंबर ऑफ ईयर था वो भी आपका एज इट इज रखा है। अब 26/25 की पावर 3 का मतलब क्या है, 26/25 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × 1 = 2 = 3। ओके, अब जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे, दैट विल गिव यू 70,304। ओके, नाउ अब ये तो था आपका क्या फाइंड हो गया, आउट हुआ हमारा अमाउंट। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमने फाइंड आउट किया अबव पार्ट में, दैट इज 70,304, और आपका प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन के अंदर, पार्ट के अंदर गिवन है, दैट इज 62,500। सोल आउट करके आपको मिल जाएगा 7,804। ओके, नाउ मूव करते हैं हमारे डी पार्ट के ऊपर। डी पार्ट जो है आपका, डी पार्ट में भी वही लॉजिक्स आपके अप्लाई हो रहे हैं जो आपके सी पार्ट में अप्लाई हुए हैं। तो ये भी आपको क्या कर रहा है, कंपाउंडेड हाफ
ईयरली आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाफ ईयरली के हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं प्रिंसिपल आपका वही क्यों रहेगा, आपका 8,000, ठीक है। अब टाइम क्या गिवन है आपको, हाँ 1 ईयर, और आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है किस हिसाब से, हाफ ईयरली के हिसाब से, ठीक है। तो 1 ईयर है, अब कोई चीज आपके साल में एक बार हो रही थी, अब वो साल में कितनी बार हो रही है, 2 बार, तो आप 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो आपका कितना टाइम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 ईयर में, ठीक है। क्योंकि हमारा साल में कोई एक बार चीज हो रही है और फिर साल में 2 बार चीज हो रही है वही चीज, तो उसको आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वही चीज मैंने यहाँ पे की है, ठीक है। अब रेट आपका क्या है, साल के हिसाब से ईयरली के अकॉर्डिंग क्या था, 9%, तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 9/2। ओके, अगेन हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया अमाउंट का, P(P)(1+R/100)n, एन की वैल्यू आपको 2 गिवन है, प्रिंसिपल की वैल्यू आपको 8,000 गिवन है, और आपका जो रेट है दैट इज 9/2। ओके, ये चीज आपको थोड़ा पता नहीं चल रही होगी, रेट की वैल्यू आपको क्या है, 9/2, और नीचे क्या है आपका 100, और कुछ नहीं लगा होता तो उसको हम क्या करते हैं, 1 लगा देते हैं। अब 9/2 आपका एज इट इज रहेगा, और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या हो जाता है आपका, रेसिप्रोकल हो जाता है, यही चीज आपके यहाँ पे लिखी है, 9 2 × 100। ओके, 2 आपका एज इट इज, 8,000 आपका एज इट इज, ये आपका एज इट इज 9, एज इट इज 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, दैट विल गिव यू 200 इन पावर आपकी एज इट इज। जब आप इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 और 200 का जब एलसीएम लिया, दैट विल गिव यू 200, और उसको सोल आउट करके जैसे हमने अबव पार्ट में किया था, डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है एलसीएम से, और जो आपका आंसर आता है मैं करके दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको डाउट ना आए, दैट इज दिस वन, ठीक है। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे आपका क्या आएगा, 200, 1 को 200 से डिवाइड किया तब क्या देगा आपको, 200, और 200 को जब आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे अगेन आपको क्या देगा, 200। अब 200 को 200 से डिवाइड किया, दैट विल गिव यू 1, और 1 को जब आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, दैट विल गिव यू 9। अब 200 + 9 दैट इज 209, दैट इज रिटन हेयर, और डिवाइड में आपका 200 था, वो भी आपका क्या लिखा है यहाँ पे, एज इट इज लिखा है। अब 8,000 एज इट इज, 209/200^2, इसका मतलब क्या है, भी 209/200 2 बार आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको लिख दोगे इसको 8,000 आपका एज इट इज, और इसको एज इट इज लिख, सोल्व आउट करने के बाद, काटने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट दिस क्वांटिटी दैट इज 8,736.2। ओके, नाउ अब ये आपका जो फाइंड आउट हुआ है, दिस वन इज इंटरेस्ट, आप क्या करोगे, आप कंपाउंड, सॉरी अमाउंट ही आपकी चीज फाइंड आउट हुई है, दिस वन इज योर अमाउंट। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यू नो द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका क्या है, ये हमने फाइंड आउट किया अबव स्टेप के अंदर, और आपका प्रिंसिपल आपको गिवन है, माइनस करने के बाद आपको ये चीज फाइंड आउट हो जाएगी, दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ डी पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ई पार्ट, और कुछ ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी एक्सरसाइज जो है जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए, आई थिंक आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।